तो अब आ जाते हैं अर्थक्वेक के ऊपर। तो अर्थक्वेक की डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ सीस्मिक वेव्स, मेजर कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कॉजेज़ क्या है, प्रडिक्शन क्या है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सीस्मिक जोन्स, तो इस टाइप की चीज़ें। तो सबसे पहले अर्थक्वेक की डेफिनेशन में आ जाते हैं। अर्थक्वेक क्या है, फोकस क्या है और एपिसेंटर क्या है। अर्थक्वेक को बोला जाता है शेकिंग ऑफ अर्थ, दैट इज़ ट्रेमर फेल्ट ऑन अर्थ ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। तो अर्थ में से कहीं अंदर से एक बारगी एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से अर्थ जो होती है वो हिल जाती है। और अर्थ मिलने का मतलब पूरी पृथ्वी थोड़ी हिलेगी, वही है अंदर से तो पूरा मोल्टन मैग्मा है, उसके ऊपर चिप्स के रूप में लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव कर रही हैं, तो वो एनर्जी जब निकलेगी एक बार की तो चिप्स हिल जाएंगे, वही है। फोकस क्या है, फोकस मतलब वो पॉइंट जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है अर्थक्वेक के वक्त। एपी सेंटर क्या है, एपी का मतलब होता है एक्सटर्नल, तो इट इज़ अ पॉइंट विच लाइज डायरेक्टली अबव द फोकस, लाइज ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो जिस पॉइंट से एग्जैक्टली एनर्जी निकली वो तो अर्थ के अंदर कहीं होगा डेप्थ पे, लेकिन उसी पॉइंट को जब आप ऊपर प्रोजेक्ट करोगे सरफेस के ऊपर, विच इज़ डायरेक्टली अबव द फोकस, तो वो एपी सेंटर कहलाएगा। टाइप्स ऑफ सीस्मिक वेव्स, तो इसमें क्या है, सबसे पहले वेव्स, वेव्स की डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है। वेव्स क्या होती हैं, एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो वेव क्या है, वेव एक जरिया है बस एनर्जी के ट्रैवल होने का, मूव होने का। तो एनर्जी ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स इन टू डायरेक्शन, एक तो सरफेस की ओर मूव करती है एनर्जी, तो सरफेस वेव्स, एक इंटरनल मूव करती है बॉडी वेव्स के थ्रू। तो एनर्जी सरफेस की ओर भी मूव होती है, जब कहीं नीचे से एनर्जी रिलीज होगी तो सरफेस पे भी जाएगी और अर्थ के अंदर भी मूव करेगी। तो अर्थ के अंदर जो एनर्जी मूव करती है वो बॉडी वेव का इस्तेमाल करती है, सरफेस पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसके लिए वो सरफेस वेव का इस्तेमाल करती है। सरफेस वेव पर बात करते हैं, सरफेस वेव कॉजेज अर्थक्वेक, अर्थक्वेक सिर्फ और सिर्फ सरफेस वेव के कारण होता है, क्योंकि सरफेस पे जो वेव आएगी वही चिप्स को हिलाएगी, लिथोस्फेरिक चिप्स को। अब सरफेस वेव कैन वेव्स कॉज अर्थक्वेक, तो दो टाइप की वेव, एक रेले वेव और एक लव वेव। रेले वेव जो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डोमिनेंट होता है इसमें, जबकि लव वेव्स में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों डोमिनेंट होते हैं। एग्जाम्पल, रेले वेव इट इज़ लाइक अ सिलेंडर रोलिंग अंडर अर्थ सर्फेस, अर्थ के नीचे मानो एक सिलेंडर रोल कर रहा है, वो रेले वेव हो गई। और अर्थ के नीचे मानो कोई एनाकोंडा मूव कर रहा है, वैसी हो गई लव वेव्स। तो रेले वेव्स यानी सिलेंडर अंडर अर्थ, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, रॉक्स आर डिस्प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली विथ अ माइनर वर्टिकल डिप। लेकिन अगर लव वेव्स की बात करें कि मानो सांप अंदर मूव कर रहा है, तो उसका रिजल्ट ये हो जाती है कि रॉक्स आर डिस्प्लेस्ड लेफ्ट एंड राइट टू एंड फ्रो, तो इसमें क्रैक्स या फिर फॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए लव वेव ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। मतलब अर्थ के नीचे सिलेंडर चले तो कूल है, लेकिन अगर सांप दौड़ गया तो उसके कारण ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। लव वेव्स कहते लव हैं बट लव इज़ डेंजरस, तो वैसा है। मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, तो एक रिक्टर स्केल और एक मर्कैटर स्केल। रिक्टर स्केल पे बोलें तो इट मेजर्स मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, किसका यूज़ करके, बेस्ड ऑन मैथमेटिकल फॉर्मूला। रिक्टर स्केल कॉन्स्टेंट होती है फॉर अ पर्टिकुलर एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। इसका यूज़ करके हम, ये हमारी मदद करती है अर्थक्वेक के रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। मर्कैटर स्केल की बात करें तो रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का मेजर कर रही थी, लेकिन मर्कैटर स्केल अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करती है। रिक्टर स्केल मैथमेटिकल फार्मूला के बेसिस पे होती है, लेकिन मर्कैटर स्केल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे है, सब्जेक्टिव है। मतलब रिक्टर स्केल कॉन्स्टेंट होती है फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, लेकिन मर्कैटर स्केल, इवन दो अर्थक्वेक की सेम एनर्जी है, लेकिन मर्कैटर स्केल पर डिफरेंट रीडिंग्स हो सकती हैं, क्योंकि वो तो डिस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है ना। तो अगर अर्थक्वेक किसी ऐसी जगह आया जहाँ कम पॉपुलेशन है, तो भले ही हाई इंटेंसिटी का आ जाए, लेकिन फिर मतलब भले ही कितने भी मैग्नीट्यूड का आ जाए, रिक्टर स्केल पे तो वो 10 दिखाएगा, लेकिन लोग ही 10 रह रहे थे तो उतनी ज़्यादा तबाही नहीं हुई। तो एन अर्थक्वेक ऑफ सेम रिक्टर स्केल एनर्जी कैन कॉज डिफरेंट डिस्ट्रक्शन इन डिफरेंट रीजंस। तो मर्कैटर स्केल में क्या है कि आप डिस्ट्रक्शन को एक तरह से मेजर कर रहे हो, तो उससे वो आपकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। अब रिक्टर स्केल का एग्जांपल है, 2 से 4 तक माइनर होता है, 4 से 5 तक लाइट, 5 से 6 तक मॉडरेट, 6 से 7 तक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, 7 से 8 तक मेजर अर्थक्वेक, और 0 से 9 तक लॉगरिथमिक स्केल है कुछ। लॉगरिथमिक स्केल मतलब ऐसा नहीं है कि जो रिक्टर स्केल पर अगर कोई 2 है और 6 है तो 6 वाला 3 गुना होगा 2 के, वैसा नहीं है। ये लॉगरिथमिक स्केल के जैसा बढ़ता है, दैट इज़ जैसे जैसे आप ज़्यादा जाओगे, प्रोपोर्शनेटली नहीं, वो लॉगरिथमिक वे में एक्सपोनेंशियली एक तरह से बढ़ जाता है, ऐसे बोल सकते हैं। मर्कैटर स्केल की बात करें तो इसकी रेंज होती है 1 से लेके 12 तक, जिसमें अगर
चार की रेंज आप बताते हो मर्केटर स्केल पे, इसका मतलब जो लूज ऑब्जेक्ट्स हैं वो हिलने लगेंगे, आपको कमरे में दिखेंगे। पाँच स्केल का मर्केटर स्केल पर है तो डिशेस टूट जाएंगी। इसी तरह बढ़ते बढ़ते आठ स्केल का आया तो चिमनी गिर जाएगी। नौ स्केल का आया तो ग्राउंड फट जाएगा। दस स्केल का आया तो बिल्डिंग ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी मर्केटर स्केल पे। अब अर्थक्वेक के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, तो इसमें चार रीजन्स हैं जिन पे हम देखेंगे जो कि स्पेशली एक्टिव हैं। एक CPB सर्कम पैसिफिक बेल्ट, MCB मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, MAR MOR दैट इज़ मिड ओशियानिक रिज जो कि अटलांटिक ओशन में है, और दूसरे रीजन्स। तो सबसे पहले CPB सर्कम पैसिफिक बेल्ट, इट इज़ अलॉन्ग द पैसिफिक ओशंस ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्जिन। तो बेसिकली पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न मार्जिन, वहाँ पर ये देखिए ये आपकी पैसिफिक ओशन है, तो पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न मार्जिन पर और वेस्टर्न मार्जिन पर जो है वो क्या है, सरकम पैसिफिक बेल्ट है। ये देखिए ये वाली हो गई पैसिफिक ओशन, तो ये भी CPB है, मतलब नॉर्थ अमेरिका के पास भी सरकम पैसिफिक बेल्ट है, और इधर आप जाओगे जापान और चाइना और रशिया, नीचे ऑस्ट्रेलिया, इनके बॉर्डर पे भी सरकम पैसिफिक बेल्ट है। MCB की बात करोगे मिड ओशियानिक बेल्ट, इंडो मलाया रीजन टू मेडिटेरेनियन, तो ये आप देखिए यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी से चलते हुए इंडिया की ओर बढ़ते हुए जब आप आएंगे, ठीक है, मलाया रीजन की ओर, मलेशिया वगैरह की ओर, तो ये क्या एक तरह से लैंड के ऊपर है, मिड मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, तो यहाँ पर भी काफ़ी अर्थक्वेक आपको मिलेंगे इनके अलोंग भी, ठीक है। और पैसिफिक ओशन में बता ही दिया कि पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न मार्जिन पर भी है, वेस्टर्न मार्जिन पर ही है, तो पैसिफिक ओशन में नॉर्थ अमेरिका के साइड भी, नॉर्थ अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पर भी काफ़ी अर्थक्वेक आएंगे, और बाकी इधर जापान में तो काफ़ी अर्थक्वेक आता ही है, तो वो इसीलिए होगा शायद क्योंकि वो सरकम पैसिफिक बेल्ट के पास में है। फिर तीसरी चीज़ है मिड अटलांटिक रिज बोलो या मिड ओशियानिक रिज, जो कि अटलांटिक ओशन में, तो अटलांटिक ओशन के बिल्कुल सेंटर पर है एक रिज। रिज यानी उठा हुआ एरिया है, माउंटेन आप ऐसा समझ लो, नीचे माउंटेन टाइप का छोटा सा बना हुआ है, तो इस रिज के अलोंग भी बहुत ढेर सारे अर्थक्वेक आते रहते हैं। दूसरे रीजन्स कौन से हैं, अफ्रीका के ईस्टर्न हिस्से में, इंडिया का जो साउथ वेस्ट यानी गुजरात एंड नॉर्थ महाराष्ट्र वाला रीजन है, तभी तो भुज अर्थक्वेक इंडिया का फेमस है, तो ये वो एरियाज हो गए जहाँ जहाँ पर आपके आते हैं। तो बेसिकली नाम अलग है सरकम पैसिफिक बेल्ट, तो पैसिफिक यानी पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न और वेस्टर्न मार्जिनस पे, ठीक है, यानी नॉर्थ अमेरिका और जापान में। फिर मिड कॉन्टिनेंटल, ये क्या है, मिड कॉन्टिनेंटल मतलब कॉन्टिनेंट के बीच में, तो कॉन्टिनेंट के बीच में मतलब मेडिटेरेनियन सी से होते हुए इंडिया को कनेक्ट करते हुए मलेशिया तक, ये कॉन्टिनेंट पे ही है। और मिड ओशियानिक रिज यानी ओशन के बीच में, तो अच्छा आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ओशन के बीच में मिलेगा तो मिड, ओशंस के साइड में देखना है तो पैसिफिक ओशन को ले लो, ओशन के बीच में देखना है तो अटलांटिक ओशन को देख लो, कॉन्टिनेंट के बीच में देखना है तो आप सरकम पैसिफिक देख लो, बाकी अफ्रीका और इंडिया में लोकली भी हैं। फिर कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक की अगर बात की जाए तो सेवन कॉजेज हैं VEAP MCN। तो सात कॉजेज में सबसे पहले वॉल्केनिज्म, वॉल्केनो आया तो अर्थ हिल जाएगी, अर्थ शेक्स व्हेन हाई प्रेशर लावा कम्स आउट, एवरी वॉल्केनो ब्रिंग्स अर्थक्वेक, हर एक वॉल्केनो के कारण अर्थक्वेक आएगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी तो रिलीज ही हो रही है नीचे से, तो जो चिप्स के फॉर्म में लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो हिल जाएंगी। इलास्टिक रिबाउंड ऑफ रॉक्स अंडर कंप्रेशन, दो रॉक्स आपस में कंप्रेस कर रही हैं तो जो रिबाउंड हुआ तो उस वक्त भी एनर्जी निकलेगी। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जैसे कि ह्यूमंस के कुछ एक्शन के कारण भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल माइनिंग कर रहे हैं लोग, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, न्यूक्लियर टेस्ट किया तो न्यूक्लियर टेस्ट में इतनी एनर्जी निकलेगी कि प्लेट्स हिल जाएंगी। फिर प्लेट मूवमेंट, एनी टाइप ऑफ प्लेट मूवमेंट विल लीड टू रिलीज ऑफ एनर्जी, तो इसीलिए अर्थक्वेक जो होता है वो आता है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर भी और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर, दोनों ही फॉर्म में, जब दो प्लेट्स एक दूसरे से लड़ रही हैं एक मोमेंट आएगा कि तड़ाक से एनर्जी निकलेगी, जब दूर जा रही हैं तो भी नीचे से एनर्जी निकल जाएगी तो अर्थक्वेक आ जाएगा, तो इसलिए प्लेट बाउंड्री पर तो अर्थक्वेक आ ही सकते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। प्लेट मूवमेंट की समरी फिर बताइए कि पूरे प्लेट मूवमेंट को अगर समराइज करना हो तो आप क्या बोलोगे, लिथोस्फेरिक फ्रैगमेंट्स कॉल्ड प्लेट्स स्लाइड ओवर एस्थेनोस्फेयर ड्यू टू इट्स सेमी मोल्टन नेचर, एनर्जाइज्ड बाई कन्वेक्टिव करेंट्स जनरेटेड डीप इनसाइड एस्थेनोस्फेयर ड्यू टू डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मतलब इसमें क्या है कि आप एक पैसेज में समझाने वाले थे उसको आपने समराइज कर दिया दो लाइन में, तो लिथोस्फेरिक फ्रैगमेंट्स मतलब चिप्स जिनको कि आप प्लेट्स कहते हो, ये स्लाइड करती हैं किसके ऊपर, एक सेमी मोल्टन हनी जैसी चीज़ के ऊपर, शहद जैसी चीज़ के ऊपर जिसको कि एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, तो शहद के ऊपर क्या है, चिप्स फ्लोट कर रही हैं।
अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, इसके लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है इस मूवमेंट के लिए? तो एनर्जाइज्ड बाय कन्वेक्टिव करेंट्स जनरेटेड डीप इनसाइड एस्थेनोस्फेयर ड्यू टू डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इमेजिन करने में आसानी हो, इसलिए डे टू डे ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मानो एक शहद की लेयर है, शहद के ऊपर चिप्स पड़ा हुआ है, शहद के अंदर इक्का दुक्का जगह पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट ज़्यादा हैं, तो वहाँ से हीट निकलेगी, उसके कारण कन्वेक्टिव करंट्स ऊपर जाएंगे। ये कन्वेक्टिव करंट्स जब मूव होंगे तो इसके कारण क्या है, ऊपर रखी चिप्स हिलेगी, ऐसा है। ठीक है, तो क्या हो गया, मतलब ये हो सकता है बेसिकली, नीचे सबसे ऊपर सबसे पहले आपने एक स्टव लिया, स्टव के ऊपर आपने शहद की एक पूरी लेयर डाल दी, शहद के ऊपर आपने चिप्स डाल दिया, नीचे से गैस को ऑन करो, जैसे जैसे गर्म होगा तो शहद के थ्रू हीट जाएगी और ऊपर शहद के ऊपर जो चिप्स हैं वो मूव करने लगेंगी, यही है प्लेट टेक्टोनिक। तो अगेन लिथोस्फेरिक फ्रैगमेंट जिनको कि आप प्लेट कहते हो, दे स्लाइड ओवर एस्थेनोस्फेयर ड्यू टू इट्स सेमी मोल्टन नेचर, एनर्जाइज बाई कन्वेक्टिव करेंट्स जनरेटेड डीप इनसाइड एस्थेनोस्फेयर ड्यू टू डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या है, चार चीज़ें हैं HARL, हाइड्रोकेमिकल चेंजेस दैट इज चेंजेस इन वाटर बॉडी, वाटर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, मिनरल्स डिजॉल्व होने लगते हैं वाटर के अंदर, तो वाटर का कलर बदल जाता है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है, नीचे से एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी पानी को गर्म करेगी, पानी गर्म होगा तो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी तो वाटर के अंदर जो मिनरल्स हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगे, मिनरल डिसॉल्व होंगे तो पानी का कलर बदलेगा, तो पानी का कलर बदल रहा है यानी अर्थक्वेक आने वाला है। एनिमल बिहेवियर, जो डॉग्स हैं वेल्स हैं वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं अर्थक्वेक को, रेडॉन गैस जो होती है वो रिलीज़ होती है जस्ट बिफोर अर्थक्वेक, कहाँ से, रॉक्स के अंदर से, तो रेडॉन गैस सेंसर्स आप लगा सकते हो स्पेशली प्लेट बाउंड्रीज पर। ठीक है, सरकम पैसिफिक बेल्ट मिड और ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट वगैरह पे। लीड टाइम, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्राइमरी वेव टू सेकेंडरी वेव, उसको आप लीड टाइम कहते हो, तो लीड टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा घटने लगता है बिफोर अ मेजर अर्थक्वेक, तो आप सेंसर्स लगाओ जो पी वेव और एस वेव दोनों को मेजर, दोनों की वेलोसिटी को मेजर करें। अब इनकी वेलोसिटी का रेशियो अगर बहुत तेज़ी से घटने लगे इसका मतलब अर्थक्वेक आने वाला है। तो ये सारे तरीके हैं अर्थक्वेक, जितना जल्दी प्रेडिक्ट कर लोगे उतने कम लोगों की मौतें होंगी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में तीन चीज़ें, NCC, एक तो NDMA की गाइडलाइंस को फॉलो करिए अर्थक्वेक के वक्त, फिर कंस्ट्रक्ट करिए अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स को, फिर कैपेसिटी बिल्डिंग करिए एट द लेवल ऑफ 3 ICN, इंडिविजुअल, फिर कम्युनिटी, फिर नेशनल लेवल। सीस्मिक जोन्स अगर इंडिया की बात करें तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ लैंड एरिया ऑफ इंडिया, वहाँ पर अर्थक्वेक आ सकता है, इसका मतलब अर्थक्वेक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया ना। 60% जो एरिया है, मतलब आधे से ज़्यादा इंडिया में अर्थक्वेक आ सकता है, तो आप सोचिए वहाँ पे गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करके बिल्डिंग वगैरह बना रही है, स्कीम्स वगैरह लगा रही है, ये सब ढह जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह बना रही है, तो इसलिए हमारे लिए तो अर्थक्वेक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, इसीलिए अर्थक्वेक टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि 60% ऑफ इंडियाज लैंड इज़ ससेप्टेबल टू अर्थक्वेक, तो हमारा सारा इन्वेस्टमेंट कचरा हो जाएगा अगर हम इसको प्रेडिक्ट करके डिज़ास्टर मैनेजमेंट ना कर पाएँ तो। तो प्लेसेस नियर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट बाउंड्री, एग्जांपल हिमालय में बहुत फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो इसीलिए सीस्मिक जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है इंडिया को रिस्क प्रोफाइल बनाने के लिए कि कौन सा ज़्यादा रिस्की रीजन्स है। तो उसके लिए हम पहले जोन 1 हुआ करता था उसको हटा दिए हैं, जोन 2, 3, 4, 5 रिस्क जोन, जोन 2 लो रिस्क, जोन 3 मॉडरेट, जोन 4 हाई, जोन 5 वेरी हाई रिस्क। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है जोन का वैसे वैसे रिस्क बढ़ता जाता है। लो रिस्क की इंटेंसिटी लेस देन इक्वल टू 7, मॉडरेट में 7, हाई में 8 और वेरी हाई रिस्क में 9 एंड अबव इंटेंसिटी हो जाती है। फिर रीजन्स, लो रिस्क रीजन्स कौन से हैं आपके, MJ से मालवा, झारखंड, सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में उतना ज़्यादा अर्थक्वेक नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जो सेंट्रल इंडिया है इट इज़ अवे फ्रॉम प्लेट बाउंड्री, बट स्टिल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह तो आप करते रहते हो ना, तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा उसके कारण आ सकता है अर्थक्वेक। मॉडरेट 7, तो ये जो मॉडरेट रिस्क जोन है वो पतली स्ट्रिप्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर और नीचे कुछ रीजन्स हैं कि पतली स्ट्रिप है जहाँ की मॉडरेट रिस्क है, फॉर एग्ज़ाम्पल UP, बिहार, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। फिर नीचे अगर आप देखोगे तो अभी पता नहीं मैंने GKKAT कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है ये। तो इसका रीज़न क्या है, ये जो थिन स्ट्रिप्स हैं, मैनी फॉल्ट लाइन इन सेंट्रल इंडिया, ठीक है, छोटा नागपुर, प्लस माइनिंग होती है प्लेट्यू वाले रीजन्स में, तो वहाँ पर अर्थक्वेक आने के ये कारण हो गए। फिर हाई इंटेंसिटी का आपका कहाँ पर है, JLHUN बैग, दैट इज़ हाई और वेरी हाई रिस्क दोनों वाले ये रीजन है,
तो टोटल 8 रीजन ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है अर्थक्वेक आने के। तो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल, गुजरात, तो ये दीज रीजन्स आर क्लोज़र टू प्लेट बाउंड्री। प्लेट बाउंड्री आप देखोगे तो ये वाली है प्लेट बाउंड्री, तो क्योंकि ये प्लेट बाउंड्री के पास हैं तो इसलिए यहाँ पर अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से बेल्ट ही हो गई ऊपर नॉर्थ वाली, जे एंड के, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यूपी। अब देखो आप मैं किधर ईस्ट की ओर मूव कर रहा हूँ जे एंड के से, फिर न्यू दिल्ली हो गया, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल, गुजरात। मतलब आप जम्मू एंड कश्मीर से राइट जाएंगे तो भी बढ़ेगा, लेफ़्ट जाएंगे तो भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों साइड प्लेट बाउंड्री है। देन आ सकते हैं हम वॉल्केनिज्म एंड वॉल्केनिक इरप्शंस के ऊपर। तो इसमें डेफिनेशन, फिर सीक्वेंस ऑफ थिंग्स जो कि आती हैं जब वॉल्केनो आता है, तो टाइप्स ऑफ लावा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो, कॉजेज ऑफ वॉल्केनो, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, सिग्निफिकेंस क्या है वॉल्केनो का, और वॉल्केनिक इरप्शंस। तो आ जाते हैं इसमें, सबसे पहले आ जाते हैं वॉल्केनिज्म, और सबसे पहले डेफिनेशन वॉल्केनो क्या है, वॉल्केनिज्म क्या है। वॉल्केनो का मतलब कुछ नहीं है, एक छेद, छेद को बोलते हैं वॉल्केनो। तो इट्स अ वेंट थ्रू विच मैग्मा कम्स आउट। अब होल, कई तरह के होल, हर एक होल को वॉल्केनो नहीं बोलते, सिर्फ उसी होल को वॉल्केनो बोलोगे जिस छेद में से लावा निकल के बाहर आएगा। तो वॉल्केनो क्या है, एक तरह का छेद है जिसके अंदर से मैग्मा बाहर आता है। तो इट्स अ फिजिकल स्ट्रक्चर, नॉट अ प्रोसेस। वॉल्केनो एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, वॉल्केनिज्म एक प्रोसेस होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इरप्शन ऑफ मैग्मा। तो वॉल्केनिज्म इज़ मोर इंक्लूसिव फॉर्म एंड इंक्लूड्स फॉर्मेशन एंड इरप्शन ऑफ मैग्मा एंड वॉल्केनो। वॉल्केनिज्म के अंदर पूरा प्रोसेस आ जाता है कि कैसे मैग्मा बनता है, फिर कैसे इरप्ट होता है, और वॉल्केनो भी इसी के अंदर आ जाता है। लेकिन वॉल्केनो का मतलब तो सिंपली छेद, मतलब वो एक फिजिकल स्ट्रक्चर, एक छेद जिसमें से लावा निकलेगा। नोट, ऑर्डर ऑफ मिनरल्स क्या है, ओसा है, मोका कान्हा, ये है तरीका याद रखने का। दैट इज़ ऑक्सीजन, फिर सबसे ज़्यादा, फिर सिलिका, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद आयरन, फिर मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम। ये अर्थ में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, उससे कम सिलिका, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम आयरन, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम पोटेशियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम सोडियम। अब सीक्वेंस ऑफ थिंग्स कमिंग आउट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन की, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो पहले क्या निकलता है, कौन सी चीज़ बाहर आती है, तो सबसे पहले गैस निकलेगी, फिर सॉलिड निकलेगा, फिर लिक्विड निकलेगा। तो सबसे पहले गैस में क्लाउड ऑफ गैस कम्स आउट फर्स्ट, जिसको कि डी गैसिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल चिन्स, CHINS, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, इनर्ट गैसेस, N2O, N3O प्लस SO2। फिर निकलेंगे सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में तीन चीज़ें, PPT, पायरोक्लास्टिक मटेरियल जैसे कि स्कोरिया, लापली, प्यूमिस, दैट इज़ पोरस रॉक फॉर्म्ड बाय लावा सॉलिडिफिकेशन, फिर टेफ्रा, पायरोक्लास्टिक मटेरियल दैट गेट्स सीमेंटेड बाय रेनफॉल एंड वाटर। ठीक है, फिर लिक्विड निकलेगा इसके अंदर से, लिक्विड यानी लावा। इनसाइड अर्थ, अगर वही लिक्विड अर्थ के अंदर है तो उसको मैग्मा बोलेंगे, वही लिक्विड अर्थ के बाहर आ गया तो उसको लावा बोलेंगे। ठीक है, लिक्विड वही है। तो टाइप्स ऑफ लावा, यानी वो लिक्विड जब बाहर आ गया तो एसिडिक लावा, बेसिक लावा, ऐसे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अब इसमें कितनी चीज़ें हैं, 9 चीज़ें हैं दोनों के बारे में जो कि आपको याद रखनी है। SD-VAP, CMEL, SD-VNF, PTSD। तो एसिडिक लावा में सिलिका कंटेंट हाई होता है, 60-90%। बेसिक लावा में सिलिका कंटेंट कम होता है। अच्छा, क्योंकि एसिडिक लावा में सिलिका कंटेंट ज़्यादा है 60-90%, इसलिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, इसका मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ लावा नियर द वेंट हो जाएगा, छेद के ही पास सारा लावा एक्यूमुलेट हो जाएगा, इसके कारण फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनिक कोन्स एंड माउंटेन्स, प्लगिंग ऑफ वेंट, क्योंकि हाई विस्कोसिटी है इसलिए एक्सप्लोजिव इरप्शन नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो एसिडिक लावा में क्या है, सिलिका ज़्यादा है, सिलिका ज़्यादा है तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो जिस छेद में से निकल रहा है लावा, मैग्मा बाहर आके लावा बन रहा है, वो छेद क्या हो जाएगा, उसी के विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा है कि उसी के छेद के आसपास ही सारा आपका लावा जमा हो जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या है, कोन्स और माउंटेंस बन जाएंगे, कोन्स एंड माउंटेंस। ठीक है, और क्योंकि इतना ज़्यादा गाढ़ा है कि अंत में क्या है कि ये उस छेद को ही बंद कर देगा हाई विस्कोसिटी के कारण, तो अगली बार जब लावा फूटेगा तो बहुत एक्सप्लोजिव होगा, क्योंकि प्रेशर बन जाएगा ना उस वेंट के ऊपर, पिछली बार लावा ने उस वेंट को बंद कर दिया, तो अगली बार फूटेगा तो बहुत एक्सप्लोजिव फूटेगा।
बेसिक लावा की बात करें तो उसमें सिलिका कंटेंट कम होता है, इसलिए डेंसिटी कम, इसलिए विस्कोसिटी कम, इसलिए वेंट के पास एक्यूमुलेशन नहीं होता है। तो ये क्या है, बहते हुए निकलेगा बेसिक लावा, जो जो लावा बह रहा है वो बेसिक लावा है, और जो लावा इकट्ठा हो गया है एक जगह, कम तेज़ी से बह रहा है, शहद जैसे बह रहा है, वो एसिडिक लावा है। तो बेसिक लावा क्योंकि बहते हुए जा रहा है तो इसलिए उसके कारण प्लेट्यू बन जाएंगे, ट्रैपन, दैट इज़ स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि ये छेद को बंद करेगा नहीं, बेसिक लावा है, बह के बाहर आ जाएगा, तो इसलिए कोई चीज़ वेंट को क्लोज़ करने के लिए नहीं है, इसलिए लेस एक्सप्लोजिव इरप्शन होगा। फिर ब्लैक कलर का होता है बेसिक लावा, तो ब्लैक कॉटन सॉइल फॉर्म्ड बाय बेसिक लावा, और ब्लैक कॉटन सॉइल सिविल इंजीनियरिंग के लिए प्रॉब्लमेटिक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो की बात करें तो वॉल्केनो कहाँ पर है, तो एक तो हो गई पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, दूसरा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, तीसरी मिड ओशियानिक रिज और दूसरे रीजन्स। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बात करें तो ईस्टर्न पैसिफिक जो है उसमें नॉर्थ अमेरिका आएगा, तो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे आपको काफ़ी वॉल्केनो मिलेंगे। फिर पैसिफिक के ईस्टर्न साइड ही साउथ अमेरिका भी आता है, तो साउथ अमेरिका का वेस्ट कोस्ट पर आपको मिलेंगे तीन चीज़ें, COC, कोटोपैक्सी, ओजस डेल सलाडो और चिमबरोजो। ठीक है, तो ये क्या हो गया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक के वेस्टर्न पैसिफिक में आपको मिलेंगे जिप्स, दैट इज़ जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, साउथर्न एल्प्स, दैट इज़ न्यूजीलैंड। तो ये देखिए, ये आपकी पैसिफिक ओशन हो गई, पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न साइड पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे और साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे आपको लाइन से वॉल्केनो मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, तो इसलिए साउथ अमेरिका के वेस्ट साइड पे कोटोपैक्सी, ओजस डेल सलाडो, चिम्बरोजो, ये सारे मिलेंगे। जब आपको ये चीज़ें याद होंगी, तो जब आपको वॉल्केनो, फेमस वॉल्केनो ऑफ वर्ल्ड याद रखने होंगे, तो आप आसानी से याद रख सकते हो इन चीज़ों की वजह से। उसी तरह पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न मार्जिन पे आपको कौन कौन से मिल जाएंगे, जापान में काफ़ी वॉल्केनो, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में वॉल्केनो, सदर्न एल्प्स यानी न्यूजीलैंड के आसपास भी काफ़ी वॉल्केनो मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर है। फिर मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, वही इंडो म्यांमार टू मेडिटेरेनियन कोस्ट, वहीं पर अर्थक्वेक ज़्यादा आते थे, वहीं पर वॉल्केनो भी ज़्यादा आएंगे। तो नो वॉल्केनो ऑन इंडो म्यांमार बॉर्डर। क्यों? क्योंकि नो ओशियन इन बिटवीन टू गेट सबडक्टेड, इसलिए नो मेल्टिंग, इसलिए नो वॉल्केनो। ठीक है, जो इंडो म्यांमार वाला बॉर्डर है, अब ये देखिए, ये मिड आपका मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, लेकिन इसमें इंडो म्यांमार बॉर्डर पर आपको वॉल्केनो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ओशियन कोई है ही नहीं इंडो म्यांमार के बॉर्डर पर, तो अगर ओशन नहीं होगी तो ओशियनिक बेल्ट और कॉन्टिनेंटल बेल्ट जब आसपास आती है, तो ओशियनिक बेल्ट नीचे जाती है ना डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण, तो जब ओशियनिक बेल्ट नीचे जाएगी नहीं तो घर्षण प्रोड्यूस नहीं होगा, घर्षण प्रोड्यूस नहीं होगा तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो कोई मेल्टिंग नहीं होगी, कोई मेल्टिंग नहीं होगी तो कोई वॉल्केनो नहीं आएगा। लेकिन मेडिटेरेनियन कोस्ट की बात करें तो वो काफ़ी एक्टिव वॉल्केनो वहाँ पर आपको मिलेंगे, CESS, दैट इज़ चार चीज़ें, CESS, क्रेट, एटना, सिसली, स्ट्रोम्बोली, तो यहाँ आपको मिलेंगे मेडिटेरेनियन कोस्ट पर, क्योंकि यहाँ अफ्रीकन बेल्ट जो है वो यूरेशियन बेल्ट से मिल रही है और नीचे पानी भी है, तो ये जो मेडिटेरेनियन सी वाला पानी है ये फिर नीचे जाने लगेगा, सबड्यू हो जाएगा कॉन्टिनेंटल और ओशनिक बेल्ट कन्वर्जेंस में, तो वहाँ पर घर्षण होगा, वहाँ से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेल्टिंग शुरू होगी, तो यहाँ पर वॉल्केनो आपको मिलेंगे मेडिटेरेनियन सी में, तो इसलिए यूरोप की कंट्रीज़ में काफ़ी वॉल्केनो आपको मिलेंगे। फिर मिड ओशियनिक रिज, नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन से इंडियन ओशन में, ये देखिए, ये अटलांटिक ओशन से चालू हुआ, नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन से, और इसको इंडियन ओशन हम क्यों बोल रहे हैं पता नहीं, यहाँ इंडियन ओशन है क्या ये, तो बेसिकली मेरे को नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ही दिख रहा है, लेकिन उनका कहना है ये शायद इधर भी एक्सटेंड हो जाए। दूसरे रीजन्स जहाँ वॉल्केनो आते हैं वो है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, दैट इज़ सोमालियन प्लेट, यहाँ पर काफ़ी आएगा वॉल्केनो। ओके, अब आ गया कॉजेज ऑफ वॉल्केनो लाइक इन अर्थक्वेक, जैसे अर्थक्वेक के कॉज हैं वही वॉल्केनो के कॉज हैं। वॉल्केनोज कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई प्लेट टेक्टोनिक्स एज वेल, सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक्स को समराइज कर दो। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या था, वही प्लेट टेक्टोनिक्स था आपका लिथोस्फेरिक फ्रैगमेंट, जिनके की प्लेट कहते हैं वो स्लाइड करते हैं ओवर सेमी मोल्टन एस्थेनोस्फेयर। इसकी एनर्जी कहाँ मिलती है इस मूवमेंट के लिए, बाई कन्वेक्टिव करेंट्स। कहाँ जनरेट होते हैं, जनरेटेड डीप इनसाइड एस्थेनोस्फेयर। किस वजह से जनरेट होते हैं, ड्यू टू डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो ये हो गया प्लेट टेक्टोनिक्स की समरी। अब तो ये देखिए, ये डायग्राम भी बना दिया हमने कि ये क्या है, एक कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है जहाँ पे ये कॉन्टिनेंटल और ये ओशियनिक क्रस्ट है, और यहाँ पर डाइवर्जेंट है, तो यहाँ पर ये और ये प्लेट दूर जा रहे हैं, लेकिन ये जब इधर से दूर जा रहा है तो ये इधर टकरा रहा है ओशियनिक प्लेट से, ओशियनिक ज़्यादा डेंस है
तो ये सबडक्ट हो जाएगी, नीचे चली जाएगी, ठीक है, तो ये नीचे मूव कर जाएगी। यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट ज़्यादा हैं तो ये कन्वेक्टिव करंट ऐसे ऐसे बहेंगे तो ये दूर जाएगा। ये दो कॉन्टिनेंटल प्लेट दूर गए तो ये कॉन्टिनेंटल इस ओशियनिक प्लेट से टकराई, ओशियनिक प्लेट हैवी है तो वो नीचे चली जाएगी, नीचे चली जाएगी तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेल्टिंग शुरू हो जाएगी, तो वोल्केनो। एट बेनहॉफ जोन ओशियनिक प्लेट सब्जेक्ट्स फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण मेल्टिंग, मेल्टिंग के कारण इरप्शन। तो ये शायद बेनहॉफ जोन होगा। तो अब देख लेते हैं, एट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री प्लेट्स जो हैं दे विल मूव अवे, उसके कारण एक गैप क्रिएट होगा, गैप क्रिएट होगा तो वहाँ से मैग्मा बाहर आएगा तो वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हो जाएगा, राइट, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में। और कन्वर्जेंट में भी आपको बता दिया, कन्वर्जेंट में क्या हो जाएगा, ओशियनिक प्लेट अगर है वहाँ पे तो वो नीचे जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेल्टिंग होगी, तो शायद वहाँ पर भी बन जाए। फिर आ गया वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, तो दो तरह के लैंडफॉर्म्स बना, मतलब वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स का क्या मतलब है, जहाँ वॉल्केनो आएगा वहाँ एक स्पेसिफिक वे में लैंड अरेंज हो जाएगी, उस तरह के लैंडफॉर्म्स आपको वॉल्केनो के ही आसपास मिलेंगे। तो दो तरह के लैंड स्ट्रक्चर्स बनाता है वॉल्केनो, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म मतलब मैग्मा राइजेस फ्रॉम एस्थेनोस्फेयर एंड एंटर्स गैप्स एंड सॉलिडिफाइज, मतलब इंट्रूसिव लैंडफॉर्म यानी ज़मीन के अंदर भी एक स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे जहाँ वॉल्केनो है, और ज़मीन के बाहर तो मिलेंगे ही, वो तो दिखते ही हैं आपको। तो जहाँ पे भी वॉल्केनो है उसमें ज़मीन के अंदर क्या होगा, मैग्मा उठेगा एस्थेनोस्फीयर से और ज़मीन के अंदर जो भी गैप है वहाँ पे घुस जाएगा वो, क्योंकि वो लिक्विड है, और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सॉलिडिफाई हो जाएगा तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। अब भाई ज़मीन के अंदर जो गैप है उसमें अगर मैग्मा जाएगा तो किस फॉर्म में, या तो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में चले जाएगा या कर्व हो जाएगा, जनरली कर्व ही होगा, स्ट्रेट लाइन कहाँ ही बनेगी, तो ऐसा सीधा चले जाएगा या हॉरिजॉन्टल घुस सकता है, वर्टिकल घुस सकता है, यू शेप में, उल्टे यू शेप में, फिर ट्रायंगल के शेप में, ऊपर नीचे माउंटेन के शेप में, तो लाइन के शेप में जाएगा अगर हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो ये है बैथोलिथ बोलते हैं, जो कि फुल ऑफ मिनरल्स होता है एंड एक्सपोज बाय इरोजन, एग्जाम्पल छोटा नागपुर प्लेट्यू इन इंडिया कॉल्ड पैटलैंड। तो अब मैग्मा यहीं से ऊपर जाएगा, जहाँ जहाँ गैप मिलेगा वैसे वैसे घुसता चला जाएगा, तो ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे ग्राउंड के अंदर। तो यहाँ सीधा गैप मिल गया इसको, तो ये जो बन गया इसको नाम सिल रख दो आप, जहाँ वर्टिकल गैप मिल गया वहाँ चले गया तो उसको डाइक्स बोल दो, कर्व्स के फॉर्म में सीधा सॉशर शेप, उल्टा अम्ब्रेला शेप और एक वेव लाइक, तो जो सॉसर शेप में उसको लैपोलिथ बोलते हैं, जो अपर यानी अम्ब्रेला शेप में है तो लैकोलिथ बोलेंगे, लोअर डेप्थ पर है तो उसको बैथोलिथ बोलेंगे, और वेव जैसा है तो उसको फैकोलिथ बोलेंगे। तो अननेसेसरली इतने कॉम्प्लिकेटेड नाम है, चीज़ बस इतनी सी है कि लावा जो है वो पानी है, तो जब ऊपर अंदर से बाहर आएगा तो गैप में घुस जाएगा, तो उसके अलग अलग नाम रख दिए बस इन्होंने, वो भी अननेसेसरली मुश्किल रख दिए, सिल, डाइक्स, लैपोलिथ, लैकोलिथ, बैथोलिथ, फैकोलिथ। सिल होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन होगी डाइक्स, सॉसर के शेप मतलब कटोरे जैसा होगा तो लैपोलिथ, कटोरा उल्टा रख दिया तो लैकोलिथ, ठीक है। और फिर अगर ये उल्टा कटोरा जो है ऊपर है तो लैकोलिथ, उल्टा कटोरा नीचे है तो बैथोलिथ, और वेव जैसा है तो फैकोलिथ। अब लावा क्या है, एक्चुअल में अर्थ के अंदर ही तो सारे मिनरल्स हैं जो ऊपर आ रहे हैं, तो बैथोलिथ में पूरी तरह के मिनरल्स हैं, हर तरह के मिनरल हैं, और जब इरोजन होता रहेगा तो धीरे धीरे ये चीज़ हटते हटते ये पूरा डिपोजिशन सामने आएगा और ये पूरा मिनरल से भरा हुआ होगा। यही इसी कारण छोटा नागपुर प्लेट्यू में इतने ढेर सारे मिनरल्स मिलते हैं आपको, तो क्यों जिस भी जगह मिनरल्स मिलते हैं उसको पैटलैंड बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि अर्थ पे मिनरल आएगा कहाँ से आप बताओ, ऐसा तो है नहीं कि स्पेस से बरसते हैं ये सारे मिनरल वगैरह, सिलिका वगैरह अर्थ में ही है। अब क्वेश्चन है अर्थ के सरफेस पे कहाँ से आए, तो अर्थ के अंदर एस्थेनोस्फीयर है तो वहीं पर हैं सारे मिनरल्स, और वो वॉल्केनो वगैरह के टाइम पे ऊपर आ जाते हैं और फिर इरोजन वगैरह की वजह से एक्सपोज हो जाते हैं। तो ये तो अर्थ के अंदर बने हैं। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, जब मैग्मा अंदर से बाहर निकल के लावा बन जाएगा तो ये जो लावा है जब अर्थ के ऊपर आके इधर उधर फैल के डिपॉजिट हो जाएगा तो वो अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स क्रिएट करेगा। कोन्स एंड प्लेट्यू शेप्ड लैंडफॉर्म्स, तो टाइप्स ऑफ कोन्स क्या है, सिंडर कोन, कॉम्पोजिट कोन, पैरासिटिक कोन, क्रेटर कोन, ठीक है। तो सबसे पहले सिंडर कोन, कि नीचे से निकला और ये ऐसे ऐसे जाके डिपॉजिट हो गया, तो स्टीपर स्लोप्स हैं
ओनली पायरोक्लास्टिक मटीरियल. कॉम्पोजिट कोन हैव ऑल्टरनेट लेयर ऑफ लावा एंड पायरोक्लास्टिक मटीरियल. पैरासिटिक कोन स्मॉलर कोन्स फॉर्म्ड ऑन मेन कोन. ये देखिए ये मेन है कोन है और इस पर भी इसके ऊपर भी कोन शेप में निकल गया. क्रेटर बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजिव इरप्शन माउंटेन का टॉप उड़ जाता है. ठीक है, आपका क्या होगा कि मोस्ट प्रॉब्ली एसिडिक लावा वहाँ से बाहर निकल रहा होगा और उस डेंस लावा ने क्या किया होगा, माउंटेन का जो छेद है उसको कवर कर दिया होगा. तो अगली बार जब लावा ऊपर आने की कोशिश कर रहा होगा तो वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तब तक ऑब्स्ट्रक्ट करेगा जब तक, और इस जब ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो और प्रेशर बनेगा. नीचे से फोर्स लगे जा रही है लेकिन ये टॉप जो है क्योंकि कवर्ड है तो उड़ने नहीं, तो बाहर नहीं आने दे रहा. तो जब इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्टअप हो जाएगा कि एक टाइम पे ये फटेगा और फिर वो एक बार की बाहर निकलेगा. तो जब ऐसा होगा तो माउंटेन का टॉप उड़ जाएगा और सिर्फ क्रेटर बचेगा. ठीक है, तो माउंट जब लावा बाहर निकल के बहता है तो कौनस बनते हैं, स्टीपर स्लोप वाले, या फिर ऐसा हो सकता है स्टीपर स्लोप वाले उसमें सिर्फ पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है और कोई ऐसा कोन बन गया है जिसमें पायरोक्लास्टिक मटेरियल भी है और लावा की लेयर भी है तो उसको कॉम्पोजिट कोन बनेंगे. मेन कोन के ऊपर कई छोटे छोटे कोन बन गए तो पैरासिटिक कोन, और फिर क्रेटर तब बनेगा जब माउंटेन का टॉप ब्लास्ट हो जाएगा. इसके अलावा अगर बहने वाला है, फॉर एग्जांपल बेसिक लावा है, तो बहते बहते वो एक के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर ऐसे ऐसे बनते बनते वो एक प्लेट्यू ही बना देगा. तो प्लेट्यू भी कहीं पर बना हुआ है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है कि वॉल्केनिक इरप्शन के कारण वो प्लेट्यू बन गया हो बेसिक लावा बह बह के. फिर सिग्निफिकेंस ऑफ वॉल्केनो, तो SS स्लैम 5 चीज़ों में मदद मिलती है. वॉल्केनो की मदद से इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ आप पढ़ सकते हो क्योंकि अर्थ के अंदर से यही तो बाहर आया है, तो यानी अर्थ के अंदर यही मिनरल्स होंगे जो वॉल्केनो में मिलेंगे लावा वगैरह में. फिर वॉल्केनो एक्ट एज सेफ्टी वॉल, दे पीरियोडिकली रिलीज एनर्जी जो कि अर्थ के अंदर ट्रैप्ड है, उस एनर्जी को ये पीरियोडिकली रिलीज करते रहते हैं. तो इससे ऐसा नहीं है कि कोई मेजर कैटास्ट्रॉफी हो जाए. फिर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है वॉल्केनो के कारण. एग्जांपल इंडोनेशिया में आते रहते हैं तो वहाँ पे जावा में आप देखिए, क्यों, क्योंकि अंदर के मिनरल सारे बाहर आ गए ना वॉल्केनो की वजह से, तो अब वो मिनरल्स होंगे तो उसके ऊपर जो पौधे उगेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स होंगे. तो हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी है इंडोनेशिया के जावा में. फिर वॉल्केनो जो होते हैं वो लैंडफॉर्म बना देते हैं. फॉर एग्जांपल ओशन के अंदर अगर वॉल्केनो फटा तो ये मैग्मा ऊपर आ जाएगा और आइलैंड बना देगा. एटमॉस्फेरिक गैसेस, एटमॉस्फेयर में गैस कहाँ से आ रही है, ऐसा तो है नहीं स्पेस तो खाली है तो गैस कहाँ से आई, अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसे बना, तो वो यही है अंदर ही अर्थ के जब वॉल्केनो की वजह से प्रेशर रिलीज हुआ तो गैसेस आ गई बाहर और उन्होंने एटमॉस्फेयर बना दिया. तो एक तरह से क्या है, पृथ्वी के अंदर ही सब कुछ है, वहीं से वो मिनरल्स बाहर निकलेंगे और सॉलिडिफाई हो जाएंगे तो मिनरल्स बन जाएंगे, वहीं से गैस निकलेगी तो वो एटमॉस्फेयर बना देगी. मिनरल्स कम ऑन सरफेस ऑफ अर्थ थ्रू वॉल्केनिक इरप्शन, पैटलैंड एग्जाम्पल छोटा नगर प्लेट्यू. टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, सेंट्रल इरप्शन और फिशर इरप्शन. सेंट्रल इरप्शन की डेफिनेशन और टाइप्स, इरप्शन अकर्स मेनली अलोंग कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री. तो लावा इज मेनली एसिड, एज कंटेंट ऑफ सिलिका चेंजेस एक्सप्लोजिविटी ऑफ वॉल्केनो चेंजेस. तो सेंट्रल इरप्शन में क्या होता है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के अलोंग ही इरप्शन होता है और ये लावा मेनली एसिडिक होता है, जबकि फिशर इरप्शन कहाँ पर होता है, ये होता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के अलॉन्ग मेनली, और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के अलॉन्ग यहाँ पे जो लावा होता है वो मेनली बेसिक होता है. बेसिक लावा है तो इसकी फ्लूडिटी ज़्यादा है तो इसलिए प्लेट्यू बनेंगे. तो ठीक है, फिशर मतलब क्या है कि बीच में क्रैक आया और दो चीज़ें दूर जाने लगी, तो यानी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर जब दो प्लेट दूर जाएंगी तो नीचे से बेसिक लावा निकलेगा, बेसिक लावा की फ्लूडिटी ज़्यादा है तो वो प्लेट्यू बनाता चलेगा. ठीक है, क्यों, एट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री प्लेट बेसिकली दूर जा रही हैं, दूर जा रही हैं तो यानी प्रेशर कम है, इसलिए लेस एक्सप्लोजिव इरप्शन होगा. लेकिन सेंट्रल इरप्शन क्या है, जहाँ पर दो प्लेट एक दूसरे के पास आ रही हैं वहाँ पर अगर इरप्शन होगा तो जब एक दूसरे के पास आएंगी दो प्लेट तो वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए वहाँ पर जो इरप्शन होगा वो एक्सप्लोजिव इरप्शन होगा. अब इसमें क्या है, हवान टाइप, ठीक है, हवाइन टाइप इस टाइप का होता है, स्ट्रोम्बोलियन टाइप इस टाइप का होता है, वेसुवियन टाइप इस टाइप का होता है, और प्लीनियन टाइप इस टाइप का होता है. तो इस तरह से कई टाइप में डिवाइड कर दिया है उसको. एट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री नो प्लेस टू मूव, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव इरप्शन होता है वहाँ पे. ठीक है.